तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे तो वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी एमपी के दौरे पर हैं। शाजापुर में जनाक्रोश यात्रा में वो शामिल होंगे। काला पीपल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ इसमें मौजूद होंगे। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जारी है और आज शाजापुर जिले के दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। इस मौके पर वो जन आक्रोश यात्रा के जरिए से सरकार पर निशाना साधने का प्रयास करेंगे, तो साथ ही कई गारंटियां भी वो दे सकते हैं, कई बड़े वादे भी मंच से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ साथ प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे। काला पीपल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल सीधा जुड़ गए इंदौर से। अतुल, सबसे पहले इंदौर आएंगे, उसके बाद फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए से शाजापुर निकलेंगे। क्या कार्यक्रम है, कितनी देर में राहुल गांधी पहुंचेंगे? देखिए, राहुल गांधी इस समय इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनकी अगवानी करी है। साथ में प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला भी यहां पे साथ थे। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अगवानी के दौरान इंदौर एयरपोर्ट पे मौजूद रहे। इसके बाद यहां से काला पीपल के लिए रवाना हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर से रहेंगे, कमलनाथ भी उनके साथ पे रहेंगे और उसके बाद काला पीपल में जन आक्रोश यात्रा के दौरान राहुल गांधी रथ में भी सवार होंगे और तमाम लोगों का अभिवादन करेंगे और अपनी बात रखेंगे। हालांकि इस दौरान एक बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम आवाम को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखिए, स्पष्ट है कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस बात को समझ चुकी है। हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या मध्य प्रदेश की पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें कि ये वो चुनाव है जो कांग्रेस के आने वाले समय में दशा दिशा तय करेगा और साथ में भविष्य भी कांग्रेस का मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है यही चुनाव जो है वो तय करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी भी की है। तमाम हम देख रहे हैं कि लगातार ताकत पूरी झुकी हुई है, कार्यकर्ताओं के साथ साथ जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। आज राहुल गांधी जब जन आशीर्वाद यात्रा के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करेगी तो मान के चला जा रहा है कि सीधे तौर पर प्रदेश सरकार टारगेट पे रहेगी। तमाम जो मुद्दे हैं कांग्रेस के, देखिए मुद्दों की कमी नहीं है, कांग्रेस के पास लगातार मुद्दे उठाए हैं। बेरोजगारी की हम बात करें, महंगाई की हम बात करें, अपराध की हम बात करें, तमाम शिक्षा की बात करें, कुपोषण की बात करें, तमाम ये मुद्दे कहीं ना कहीं कांग्रेस सीधे तौर पर उठाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि कमलनाथ जब आज मंच पे रहेंगे तो इन मुद्दों के ऊपर सीधी बात करते हुए नजर आएंगे। देखिए, जिस तरीके से एक आरोप पत्र कांग्रेस लाई है, इस आरोप पत्र के अंदर तमाम अलग अलग मुद्दों के साथ अलग अलग वर्गों को लेकर जो आरोप सरकार के ऊपर लगे हैं उन तमाम आरोपों को कहीं ना कहीं मंच से बात करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कमलनाथ अपने एक के बाद एक वचन सामने ला रहे हैं। लगभग 11 वचन इस समय कमलनाथ के सामने आ चुके हैं, उन 11 वचनों के इस पे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कमलनाथ ने ऐलान किया है कि मध्यप्रदेश के अंदर अगर सरकार बनती है तो बिजली का बिल 100 यूनिट तक माफ होगा, 200 यूनिट तक हाफ होगा। इसके साथ किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना लाने की बात करी। देखिए, ये कुछ ऐसी योजना है जिसमें राहुल गांधी आज चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ में जिस तरीके से हमने देखा भी था कि 2018 के जब चुनाव थे, 2018 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा की थी, वो कहीं ना कहीं वो संजीवनी का काम कांग्रेस के लिए किया था, वो घोषणा किसान कर्ज माफी थी। मान के यही चल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पहला दौरा है 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का, तो यही कयास लगाया जा रहा है कि बड़ी बात, बड़ी घोषणा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कर सकते हैं। अपना जो रोड मैप तैयार किया है, अपनी जो एक रणनीति तैयार की गई है, उस रणनीति के हिसाब से कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस इस समय दो अलग अलग रणनीति के ऊपर चल रही है। पहली रणनीति सीधे तौर पर आक्रामक होते हुए प्रदेश सरकार की खिलाफबंदी करना, घेराबंदी करना, उसके अंदर जिस तरीके से दूसरे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कई आरोप है, उस आरोप के माध्यम से काम करना, जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि मध्यप्रदेश घोटालों का प्रदेश बन गया है, मध्यप्रदेश कंगाल हो चुका है, मध्यप्रदेश को लेकर कई ऐसी घोषणाएं जो लगातार कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता, इसमें हम पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें, सुरजेवाला की बात करें, अरुण यादव की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तमाम वो नेता कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ में ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार आती है मध्यप्रदेश में सरकार पे बिल्कुल एक तरफ निशाना तो दूसरी तरफ वादों की बौछार है। हालांकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी वादे करती है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये दावा करते हैं कि हम तो करके दिखा रहे हैं। वो कब करेंगे, कब पैसा डालेंगे, हम तो डाल रहे हैं सीधा पैसा, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से इंडिया अलायंस की भी यहां पर रैली होने वाली थी जिसे लेकर इनकार किया गया बाद में कमलनाथ की तरफ से, तो क्या इस गठबंधन